guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about examples of articles. जैसे कि हमने articles के बारे में पहले ही discuss किया है. Article दो तरह के होते हैं, indefinite articles and definite articles. Indefinite articles में a और n आता है और definite articles में दो आता है. तो ये examples हैं. ये मुझे थोड़ी important लगी तो मैंने आपके लिए कुछ examples, ये 10 examples आपके लिए लिखी है. तो हम आज इनको discuss करेंगे. डैश मैन वॉज ईटिंग डैश एप्पल. एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट है वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते जितने फोनिक्स इंपॉर्टेंट है, मतलब उसकी आवाज़ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है. जैसे मैन है, म की साउंड आ रही है. म क्या है? व्यंजन. म क्या है? व्यंजन. तो यहाँ पर हम अ यूज करेंगे. अ मैन वॉज ईटिंग डैश एप्पल. एप्पल अ की साउंड आ रही है. अ क्या है यहाँ पर? स्वर. तो यहाँ पर हम एन यूज करेंगे. अ मैन वॉज ईटिंग एन एप्पल. सो लेट्स मूव टू द सेकेंड सेंटेंस. माई मदर इज डैश इंजीनियर एंड माई फादर इज अ डैश डॉक्टर. माई मदर इज डैश इंजीनियर. इंजीनियर यहाँ पर ई की साउंड आ रही है. ई क्या है? स्वर. हम स्वर के साथ एन यूज करते हैं, व्यंजन के साथ अ यूज करते हैं. माई मदर इज एन इंजीनियर एंड माई फादर इज डैश डॉक्टर. डॉक्टर यहाँ पर किसी नाम लगे? ड. ड क्या है? व्यंजन. सो हियर वी विल यूज अ. माई मदर इज एन इंजीनियर एंड माई फादर इज अ डॉक्टर. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड सेंटेंस. रोहित इज डैश सेक्रेटरी इन डैश ऑफिस इन मोहाली. रोहित इज सेक्रेटरी. यहाँ पर स की साउंड आ रही है. यहाँ पर हम अ यूज करेंगे. इन डैश ऑफिस. ऑफिस ओ की साउंड आ रही है. यहाँ पर ओ क्या है? यहाँ पर स्वर. ओ क्या है? स्वर. हम यहाँ पर एन यूज. रोहित इज द सेक्रेटरी इन एन ऑफिस इन मोहाली. लेट्स मूव टू द फोर्थ सेंटेंस. माई फ्रेंड मैन डैश यूरोपियन मैन. हियर यू विल सी ई इज वोवल. हियर टू वोवल्स आर देयर सो यू विल सी एन. बट इट्स रॉन्ग. वी विल नॉट यूज एन हियर. व्हाई? बिकॉज यूरोपियन हमने क्या कहा था? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट से मैटर नहीं करते जितने फोनिक्स इंपॉर्टेंट है. यूरोपियन. यू की साउंड आ रही है. यू क्या है? व्यंजन. सो हियर वी विल यूज ओ. माय फ्रेंड मेट अ यूरोपियन मैन. गिव मी डैश वन रुपी नोट. वन. वन क्या है यहाँ पर? व की साउंड आ रही है. व क्या है यहाँ? व्यंजन. सो वी विल यूज अ. गिव मी अ वन रुपी नोट. सीता इज डैश बेस्ट गर्ल इन द क्लास. बेस्ट. बेस्ट के साथ अभी आप ब देखोगे ना. ब अपन अ यूज करेंगे लेकिन नहीं, यहाँ पर हम अ यूज नहीं करेंगे. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट. ये कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. सो हेयर बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री. सो वी विल यूज हर द. सीता इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास. माई सिस्टर स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी यहाँ पर यू की साउंड आ रही है. सो हेयर विल बी कम. माई सिस्टर स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी. आर टीचर इज डैश एम ए एम ई डी. एम ई ए की साउंड आ रही है यहाँ पर ईडी की. सो ईडी क्या है यहाँ पर? स्वर. तो हम एन यूज करेंगे. आर टीचर इज एन एम ए एम ई डी. ईच स्टूडेंट टेल्स डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी इन द टू द क्लास टीचर. ईच स्टूडेंट टेल्स इंटरेस्टिंग. यहाँ पर ई की साउंड. इंटरेस्टिंग ई की साउंड आ रही है. तो यहाँ पर हम एन यूज करेंगे. ईच स्टूडेंट टेल्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू द क्लास टीचर. इन मूवी आई सॉ डैश वन आईड मॉन्स्टर. यहाँ पर भी क्या था? वन. हमने यहाँ पर साउंड किसकी आ रही थी? व की. यहाँ पर भी व की साउंड आ रही. सो हियर वी विल यूज अ. सो दिस इज माय वीडियो. आई विल ब्रिंग मोर एग्जांपल्स इन फर्दर वीडियो. थैंक यू.